गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक निजी सोसाइटी में दबंगों द्वारा सोसाइटी के लोगों के साथ मारपीट की गई। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। आपको बता दें कि गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र के क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी में सोसाइटी की ही रहने वाले ओम प्रकाश एवं उसके साथी जो कि दबंग किस्म के हैं, उन्होंने सोसाइटी में ही रहने वाले अन्य लोगों के साथ मारपीट कर दी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस दौरान ओम प्रकाश ने अपने लाइसेंस हथियार का भी इस्तेमाल किया। लोगों से मारपीट करने के बाद सभी मौके से फरार हो गए और पूरा मामला सोसाइटी के इलेक्शन ऑफिसर के साथ हुई अभद्रता से शुरू हुआ। जब ओम प्रकाश और उसके साथी इलेक्शन ऑफिसर से अभद्रता कर रहे थे, तभी सोसाइटी के अन्य लोग इसका विरोध करने लगे। फिर क्या था, ओम प्रकाश एवं उसके साथी सोसाइटी में ही रहने वाले लोगों पर टूट पड़े, जिसमें कुछ लोगों को चोटें भी पहुंची हैं, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तीन लोगों को हिरासत में ले लिया, जबकि मुख्य अभियुक्त ओम प्रकाश अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। जी प्रियंका जी, एक वीडियो वायरल हुआ सीसीटीवी, उसमें आरोप लगाया गया, उसमें शायद आपके ब्रदर इन लोगों का भी नाम आ रहा है। जी, क्या पूरा मामला है? क्या सर, पहले तो आप जिस वीडियो की जो बात कर रहे हैं, आपने वो वीडियो देखी होगी, वायरल हुई होगी अच्छे से। जस्ट चेक दैट वीडियो। माय ब्रदर इन लॉ तरुण शर्मा एंड पवन शर्मा, दे बोथ आर नॉट इन दैट वीडियो। वो लोग उस वीडियो में कहीं नज़र नहीं आएंगे आपको हाथापाई करते हुए, किसी को मारते हुए या कुछ भी करते हुए। इस सोसाइटी में हम पिछले 10 साल से रह रहे हैं, हमारी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, ना ही हम किसी से कोई हमारा कोई झगड़ा है, ना ही हमारी कोई पर्सनली किसी से कुछ है। एक नॉर्मल सोसाइटी के इलेक्शंस चल रहे हैं जो अभी 21st को होने वाले हैं, उसकी कैंपेन चल रही थी। उस कैंपेन में ही इन लोगों ने कुछ ऐसी सी सिचुएशन क्रिएट की है, वी डोंट नो अबाउट दिस। हमारे घर में कल मेरे बच्चे का बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे था, वी ऑल आर बिजी इन दैट बर्थडे, हम सब लोग वहाँ पर थे। अचानक से यहाँ पर ये सारी चीज़ें शुरू हुई। इवन जो दोनों मेरे भैया हैं पवन शर्मा, उनका ऑफिस चल रहा था, वो ऑफिस कर रहे थे, वो आए भी हैं। उन्होंने लोगों के बीच में जब ये देखा है कि कुछ कहा सुनी हो रही है, उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश भी की है। अगर वीडियो आपके पास है तो आप चेक कर लीजिएगा, पवन शर्मा और तरुण शर्मा उस वीडियो में। इस जो पूरा प्रकरण है, ये इसके पीछे की असल वजह आपको क्या लगा? असल वजह देखो सर, लिसन, मुझे जब इलेक्शंस होते हैं, कुछ भी होते हैं, वजह तो बना दी जाती है जीतने के लिए, कह लो आप या किसी भी चीज़ के लिए कह लो। पहले से जो पार्टी पावर में है वो कोई लूज़ नहीं करना चाहेगी इलेक्शन को, तो दे कैन क्रिएट एनीथिंग, कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है, कुछ भी वीडियो के साथ कुछ एडिटिंग भी की जा सकती है। मैं तो ये भी कहूँगी कि कुछ कोई भी चीज़ अगर आपको जीतना ही है या फिर ये चीज़ें, अब हमने तो आपको नहीं बुलाया ना, सिंपल सी चीज़ है, किसने बुलाया? जो पार्टी ऑलरेडी पावर में है उन लोगों ने आपको बुलाया, हमें कोई इशू क्रिएट नहीं करना। कल इन लोगों ने हमारे खिलाफ FIR दर्ज की विदाउट एनी रीज़न, बिना कुछ। अब जब कोई डिस्प्यूट होता है तो दोनों पार्टीज़ को वहाँ ले जाया जाता है ना, और दोनों से पूछताछ की जाती है। इन लोगों से वहाँ पर कोई पूछताछ नहीं की गई। आई डोंट नो इनका मतलब वहाँ, मुझे नहीं पता सर, किसी अच्छे मीडिया चैनल से बिलोंग करते हैं, एवरी वन नोज इट, इसी से करते हो मे भी शायद, मुझे नहीं पता, शायद आप लोग इसीलिए आए हो, जो भी है मुझे नहीं मालूम। XYZ इलेक्शन की राजनीति है, इलेक्शन की राजनीति है सर। क्या नाम है आपका? प्रदीप। सर, कल सीसीटीवी सामने आया मारपीट का जी, क्या पूरा मामला रहा था? कल 2-2.5 घंटे बहस होने के बाद हम लोगों से, मैं मेंटेनेंस मैनेजर हूँ, हम लोगों से पूरी सोसाइटी का डिटेल मांग रहे थे, जो हम दे नहीं सकते थे, उस चीज़ में बहसबाजी हो रही थी। ये आए, उन्होंने बोला कि यहाँ चिल्लाओ मत, ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये इलेक्शन ऑफिसर हैं, चिल्ला रहे थे वो बहुत ज़्यादा, तरुण था, पवन थे, चौधरी साहब थे, इनमें चिल्लाने के बाद बोले कि यहाँ चिल्लाओ मत, चिल्ला रहे हो तो बाहर चिल्लाओ, बस इतनी सी बात में। फिर बाहर आके इनमें आपस में मार पिटाई हुई, और पहले तरुण ने हाथ छोड़ा था, उसके बाद फिर शिवम आया, शिवम ने हाथ छोड़ा। सर, बताया जा रहा है असला वगैरह भी मौके पे निकाला गया था, रिवॉल्वर वगैरह। जी जी, वो ऐसी बात हुई थी, सुनने में आया था कि रिवॉल्वर पिस्टल लेकर आओ, उसके बाद में यही बात थी कि उसके बाद उस लोगों से पुलिस ने हिरासत में, हाँ वो पता चला कि 3 लोग हिरासत, शिवम, तरुण और। क्या नाम है
क्या नाम है सर? मेरा नाम आकाश भूषण है सर। पूरा एक वीडियो सामने आया मार्केट का, क्या कहना चाहेंगे, क्या खबर है? वीडियो अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा है कि क्या हुआ है यहाँ पे। सोसाइटी के इलेक्शन होने थे, उसके नॉमिनेशन फॉर्म कल बटे थे, लोगों ने नॉमिनेशन लिए, तो कुछ लोग जिसमें तरुण शर्मा, पवन शर्मा, ओम प्रकाश, मुख्यतः ओम प्रकाश, ये लोग इलेक्शन ऑफिसर पे दबाव बना रहे थे, उनसे रजिस्टर छीनने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग नीचे उतरे थे, हम किसी से मिलने नहीं आए थे, कुछ नहीं आए थे, हमने मेंटेनेंस ऑफिस से आवाज़ देखी, बस एक शब्द कहा था कि बुज़ुर्ग हैं, आराम से बात कर लो, तुम्हारे और मेरे पिताजी से भी उम्र में बड़े हैं, तो आराम से बात कर लो, और कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है, आपस की बात है, सब सॉल्व हो जाएगा। इसमें सबसे पहले तरुण शर्मा ने मेरा हाथ पकड़ा मेंटेनेंस ऑफिस के अंदर, तो मैंने कहा कि भाई हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा, आपको क्या प्रॉब्लम है, हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा, मेरा हाथ मत पकड़ो, मुंह से बात कर लो जो करनी है, और शांति से कर लो भाई, तुम भी यहाँ रहते हो, मैं भी यहाँ रहता हूँ, कोई दुश्मनी तो है नहीं, और कल ये इलेक्शन चला जाएगा फिर हम दोस्त हो जाएंगे, कोई वो ऐसी बात नहीं है। वो कह के मैं बाहर को निकल रहा था, तभी ये ओम प्रकाश ने मेरा हाथ पकड़ा और तरुण का हाथ पकड़ा, क्योंकि तरुण भी उस समय पता नहीं किसका गुस्सा था जो वो वहाँ निकाल रहा था, और ओम प्रकाश ने कहा तुम दोनों की मैं कुश्ती करा दूँ, लड़ ले तू इससे, लड़ ले। फिर ओम प्रकाश ने मुझे अपशब्द कहे और बोला तू मुझसे लड़ ले, तो मैं हटा वहाँ से, तभी ओम प्रकाश ने अपनी पजामे में था उसके रिवॉल्वर, उसने यहाँ मेरे लगाया कि तेरा खेल ख़त्म कर दूंगा। वो चीज़ इस कॉरिडोर के अंदर में हुई है, मैं निकलते ही तुरंत थोड़ा सा, जब आप रिवॉल्वर लग जाएगी तो कोई भी होगा फैमिली वाला आदमी वो ये घबराएगा ही, भले ही उसकी लाइसेंस ही थी, मेरे को भी जानकारी है कोई ऐसे नहीं चला देगा। मैं वहाँ खड़ा हुआ था, इतनी देर में ही मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में ओम प्रकाश का लड़का शिवम आया, उसने पहले मुझे हिट किया, यहाँ पे मारा, जिससे मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, उसके बाद ओम प्रकाश ने मारा, फिर आया तरुण, तरुण ने मुझे मारा जिससे मैं पत्थर पे गिरा, उसके बाद पवन आया, पवन पहले बीच बचाव में आया था लेकिन पवन ने भी लाते मारी, ओम प्रकाश की बीवी ने भी मारी, ठीक है। अब इस घटना के बाद इस सोसाइटी के अंदर मैं 40 सेकंड भी नहीं रुका, क्योंकि मैं उनके पास असले भी देख चुका था, तो मैं 40 सेकंड भी नहीं रुका, मेरी गाड़ी बिल्कुल यहीं खड़ी होती है, मैं चाबी भी थी, हम तुरंत चौकी गए, तभी मुझे यहाँ से फ़ोन आया कि जी उसके घर में, ओम प्रकाश के घर में 10 से 15 लोग भी थे, ओम प्रकाश के घर के अंदर, और वो लोग भी CCTV में आए इस कॉमन एरिया में, आप लोगों को यहाँ से भी CCTV मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुभाष सिंह गुप्ता। सर कल क्या पूरा प्रोग्राम हुआ था जानना चाहिए? कल देखिए मुझे बिल्कुल ये पता है, ये चौरी साहब, ये क्या नाम है इनका, पवन और क्या नाम है, पवन तरुण, ये मुझसे बहस कर रहे थे, सारे कागजात मांग रहे थे, ये मांग रहे थे, मैंने कि मैं नोटिस बोर्ड पर लगा दूँगा, कोई कागज़ आपको नहीं मिला, और आप किसने बहस करते रहे, और मैं जब मैंने कहा कि सब मान गया, ये सब मान गए, उसमें ओम प्रकाश चौधरी साहब भी थे, ये सब मान गए, ये 3 बार आए 3 बार गए, मेरी 1.5 घंटे 2.5 घंटे इनसे खूब बात वार्तालाप हुई, गर्मा गर्मी भी हुई, शांति भी हुई, मैंने इन्हें सर्टिफाई करके भेज दिया, मैं अंदर था, अंदर आने के बाद जब वोट थोड़ा सा देखा तो मैंने गड़बड़ होती देखा, ये मेरा स्टेटमेंट। कौन लोग थे सर, किन लोगों से मारपीट हुई है जी? कौन लोग थे, किन लोगों से मारपीट हुई? कौन लोग थे मतलब, कौन लोग को, तो मैं चौधरी साहब को जानता हूँ, उनके लोगों को जानता हूँ, आकाश को जानता हूँ, बाकी तो सब आकाश भी थे, आपके दोनों सुपुत्र भी थे, नवी बाहर आया, हर चीज़ के बताया जा रहे हैं सर, कुछ बाहर के लोग भी आए थे, है नी, बाहर के लोग भी आए थे, मेरी इसमें कोई जानकारी